हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सकरबार एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज मैं आपको क्लास 12 एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर सेकंड द डायमंड नेकलेस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये है रिवीजन क्लासेज। इससे पहले मैं सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब क्योंकि एग्जाम का टाइम नज़दीक है, इसलिए मैं एग्ज़ाम के टाइम पर रिवीजन कर रहा हूँ सारे चैप्टर्स का दोबारा से। अगर आपको डिटेल में ये चैप्टर समझने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिए, आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सारे वीडियोस, सारे चैप्टर्स के वीडियोज और ग्रामर मटेरियल मिल जाएगा। ग्रामर का भी वीडियो मैं रिविज़न के लिए दोपहर में 2 बजे पर डे अपलोड कर रहा हूँ, आप वहाँ पर रिविज़न देख सकते हैं। बात करते हैं द डायमंड नेकलेस की। इसे जीडी मॉस पेसेंट ने लिखा है। अब देखिए, द स्टोरी इज अबाउट द आयरनी ऑफ अ फेट इन द लाइफ ऑफ अ वुमन कॉल्ड मैथिल लूजल। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। जिंदगी ने उसे बहुत खेल खिलाए, उसके बारे में ये कहानी है। उस महिला का नाम है मैथिल लूजल। शी इज वेरी एम्बिशियस। इन ऑर्डर टू शो हर ऑफ इन द बॉल शी बोरोज अ डायमंड नेकलेस। वो अपने आप को दिखावा करने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए एक डायमंड नेकलेस को उधार मांगती है। इवेंचुअली शी लॉसेज इट। और होता ऐसा है कि वो इस डायमंड नेकलेस को खो देती है, उससे खो जाता है। इन द पार्टी, पार्टी में ही शी अलोंग विद हर हस्बैंड डज हार्ड लेबर टू परचेज अ सिमिलर डायमंड नेकलेस। इसी तरह के डायमंड नेकलेस को परचेज करने के लिए वो और उसके पति के साथ में उन्हें बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इन द एंड शी इज शॉक्ड टू नो दैट द नेकलेस दैट शी हैड लॉस्ट वॉज अ आर्टिफिशियल। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है ये नेकलेस जो उन्होंने खोया है, जिसके बदले में उन्हें असली नेकलेस देना पड़ा है, वो एक नेकलेस आर्टिफिशियल नेकलेस था। तो ये है ये स्टोरी। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा एम्बिशियस महिला है, लड़की है, जिसका नाम है मैथिल। और उसका, क्योंकि वो बहुत सुंदर है, वो चाहती तो ये थी कि वो बहुत अच्छे अमीर परिवार में उसका जन्म होता, अमीर परिवार में ही उसकी शादी होती। लेकिन दुर्भाग्य के कारण उसका जन्म होता है एक आम सी फैमिली में, एक क्लर्क के परिवार में, एक गरीब और मिडिल क्लास फैमिली में। और इसी वजह से पिता के पास नहीं था डाउरी, यानी कि दहेज देने के लिए, इसलिए उसे एक नॉर्मल से ऑर्डिनरी क्लर्क से शादी करनी पड़ती है। और वो अपनी ज़िंदगी में सपने देखती है कि उसका बड़ा सा मकान हो, महल हो, डेंटी चेयर्स हो, सुंदर से वहाँ पर जैसे डाइनिंग रूम हो, और उसमें चांदी, सोने चांदी के बर्तनों में वो खाना खाया करे। इस तरह की चीज़ों की वो कल्पनाएं किया करती थी। इसी तरह से उसे एक पार्टी का इनविटेशन आता है, उसके पति के वजह की तरफ से मिलता है। उसके यहाँ पर उसकी मिनिस्ट्री जहाँ पर वो काम करता था, वहाँ एक पार्टी का इनविटेशन आता है। वहाँ जाने के लिए वो, उसके पास क्योंकि ज्वेलरी नहीं थी कोई भी, तो एक डायमंड नेकलेस अपनी एक रिच फ्रेंड से, अमीर फ्रेंड से उसे उधार लेती है। और वो एनी हाउ पार्टी के बाद वो खो जाता है। अब उसे पूर्ति करने के लिए उसी तरह का डायमंड नेकलेस उन्हें कहीं ढूंढने को मिलता है। देखते हैं कई ज्वेलर्स पर जाके, तो सेम वैसा का वैसा ही एक डायमंड नेकलेस उसे दिखाई देता है। वो डायमंड नेकलेस उसे 40,000 फ्रेंसेस का मिलता दिखाई देता, उसकी कीमत थी। और 40,000 उनके लिए बहुत ज़्यादा थे। इस कीमत को चुकाने के लिए उन्होंने 10 साल तक मेहनत की और उधार लिए लोगों से, और उससे डायमंड नेकलेस उसकी फ्रेंड को वापस किया। और 10 साल तक उनको इसका कर्ज चुकाना पड़ता है। लेकिन बाद में उसकी फ्रेंड से पता पड़ता है स्टोरी के लास्ट सीन में कि ये जो डायमंड नेकलेस था वो केवल 500 फ्रेंसेस का एक आर्टिफिशियल नेकलेस था, वो एक रियल डायमंड नेकलेस नहीं था। तो ज़िंदगी किस तरह के खेल खिलाती है, किस तरह से दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, इस बारे में ये स्टोरी है। तो अब ये हम देख लेते हैं, जैसे कि आप नई ब्लूप्रिंट के आधार पर जो प्रश्न बैंक, अभी तो इंग्लिश की अपलोड नहीं है, दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अगर अपन कॉमन सेंस माने तो
प्लेस्ड बैंक के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया कि इसमें राइटर नेम और चैप्टर का नाम आपको मस्ट है, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको याद करना है और इसके मेन मेन घटनाओं को याद करना है। तो राइटर कौन है इसका? जी डी मॉसपेसन। ये भी पूछा जा सकता है जी डी मॉसपेसन किस स्टोरी के राइटर है, तो स्टोरी दे दी गई आपको द डायमंड नेकलेस या फिर आपकी बुक से और भी स्टोरी दे दी तो आपको वहाँ पर द डायमंड नेकलेस लिखना है, या फिर द डायमंड नेकलेस किस राइटर ने लिखा है तो वहाँ पर जी डी मॉसपेसन दे दिया, शेक्सपियर दे दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर दे दिया, तो आपको वहाँ पर जी डी मॉसपेसन लिखना है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आप ये स्टोरी को डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। और स्टोरी की मेन घटनाओं के बारे में पूछा जा सकता है कि डायमंड नेकलेस जो उन्होंने पैलेस रॉयल में यानी कि जो शॉप पर देखा था उसकी कीमत कितनी थी, तो ऑप्शन हो सकते हैं 40,000 फ्रेंसेज, 36,000 फ्रेंसेज और इस तरह से उसमें क्या सही है, तो वो 40,000 फ्रेंसेज का था। और एक्चुअल कॉस्ट क्या थी डायमंड नेकलेस की, तो ये पूछा जा सकता है। तो एक्चुअल कॉस्ट थी क्या थी, उसमें ऑप्शन दिए 500 फ्रेंसेज, 400 फ्रेंसेज और 300 फ्रेंसेज, तो 500 फ्रेंसेज इसका सही आंसर है। तो इस तरह से तो ये भी पूछ सकते हैं कि मैथिल्स का हस्बैंड जो था मैथिल का वो क्या करता था, तो व्हाट वर्क डिड ही डू, तो उसमें लिख सकते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं टीचर, इंजीनियर और क्लर्क, तो क्लर्क इसमें सही ऑप्शन है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है। इनकी मीनिंग्स पर भी गौर कर सकते हैं, जैसे आप ये तो अलग से मीनिंग है, इनकी हिंदी भी लिखी हुई है, लेकिन आप बुक की मीनिंग को देखें, बुक का जो मीनिंग है उसका वर्ड मीनिंग क्या दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर दिया है स्लैम्बर, तो ये पहला वर्ड है, देखिए पहले वर्ड से बता देता हूँ मैं इसको, जो अवेकंड दिया है तो अवेकंड में यहाँ दिया है पर्सनेजेज का ऑप्शन में दिया है पर्सन ऑफ रैंक, मर्यादित व्यक्ति, पर्सन ऑफ रैंक, पर्सनेजेज, तो पर्सन ऑफ रैंक दिया, ऑप्शन दे दिया आपको पर्सन या डिस्पेयरिंग, इरिटेटेड, तो इस तरह के ऑप्शन में से इसका आंसर हो जाएगा पर्सनेजेज। और यहाँ से ही विस्पर्ड दे दिया, विस्पर्ड का क्या होगा, विस्पर दे दिया या फिर इधर के इसका मीनिंग दे दिया टू अटर इन अ लो वॉइस, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं विस्पर्ड, डिस्पेयरिंग, इरिटेटेड, स्लैमर्ड, कंक्वेड, इस तरह से ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो वहाँ पर विस्पर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से मीनिंग पूछी जा सकती हैं। तो ये था आपका चैप्टर सेकंड। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर हमारे वीडियोज को नोटिफिकेशन मिल जाए करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।